नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। तो ट्रंप ने क्या अपना उल्लू सीधा करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को उल्लू बनाया? एक वो पुरानी कहावत याद आ गई मुझे, बिल्ली और बंदर वाली, याद है? बचपन में आपने सुनी होगी। आज न्यूज चक्र में हम आपके सामने एक जबरदस्त एनालिसिस पेश करने वाले हैं और हम आपको यह भी बताएंगे कि इसमें दरअसल खलनायक हैं कौन। जी हां, मंच भारतीय था मगर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर गए। उल्लू उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों को बनाया, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, मगर जो डिजास्टर हुआ है उसके लिए मैं इन तीन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। सबसे पहले भारतीय मीडिया। जी हां, भारतीय मीडिया ने एक बार फिर इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी नाक कटवा दी। मुद्दा नंबर दो, खुद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी चतुराई से मानो हमारी नजरें नीची कर दी। और तीसरा पक्ष, भारतीय विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले हाउडी मोदी। मंच था ह्यूस्टन का और आप देखिए किस तरह से खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल जो अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं, ये तक कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। सुनिए, अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों, इससे पहले कभी नहीं हुआ जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर किसी पार्टी विशेष का समर्थन किया हो। अब कल्पना कीजिए, कल को अगर डेमोक्रेट्स यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप के जो विरोधी हैं, राष्ट्रपति ट्रंप जैसे कि आप जानते हैं एक रिपब्लिकन है, कल को अगर डेमोक्रेट सत्ता में आ गए तो भारत के लिए एक बहुत ही असहज करने वाली एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मशवरा कौन दे रहा है कि एक भारतीय प्रधानमंत्री अमरीका में जाकर एक पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। चलिए, आपने समर्थन कर भी दिया मगर ट्रंप क्या कहते हैं? उसके बाद ट्रंप की मुलाकात होती है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से और उस मंच पर जाते ही वो बात कह देते हैं जो भारत नहीं सुनना चाहता। ट्रंप क्या कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो मैं कश्मीर में मध्यस्थता करने को तैयार हूं। यह शायद 10वीं या 12वीं बार है जब ट्रंप ने वो बात दोहराई है जो भारत नहीं सुनना चाहता। कुछ देर पहले हम उन्हें सम्मानित कर रहे थे, ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, और अब क्या हो रहा है? यही नहीं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ये भी कहते हैं कि जिस तरह की उग्र तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन की उस रैली में अपनाए उसे लेकर मैं हैरत में था मगर जनता उसका स्वागत कर रही थी। सुनिए क्या कहा ट्रंप ने। I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister, and I will say it was very well received within the rule, you know, within the room, the statement itself. That was a big room, there were 59,000 people, but it was a very aggressive statement. इसके अलावा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कई बातें ट्रंप ने कही जो भारत नहीं सुनना चाहेगा। मुद्दा नंबर एक, उन्होंने कहा कि मेरे से पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की है। मुद्दा नंबर दो, मेरे साथ जो ये शख्स बैठा हुआ है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, मैं इन पर पूरा भरोसा करता हूं। यही नहीं, जब उनसे कहा गया कि आप भारत के उस टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नब्ज है, ट्रंप ने उस सवाल को सिरे से ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो ईरान की बात करता हूं। सुनिए,
मगर जो तमाम बातें यहां पर ट्रंप ने कही, भारत के लिए जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत के बार बार कहे जाने के बावजूद ट्रंप हर बार कश्मीर में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं और हम उन्हें अपने ही मंच पर बुलाकर इस तरह से सम्मानित करते हैं, उनकी पार्टी को समर्थन जाहिर करते हैं। आखिर हमारी डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है? दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता की बात कही थी, तब भारतीय न्यूज चैनल्स उन पर चढ़ गए थे। मैं अब आपको वो स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूं, वो डिबेट्स दिखाना चाहता हूं जो उस वक्त भारतीय मीडिया ने किए थे। मसलन, मोदी बोलेंगे ट्रंप की पोल खोलेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अब तक 10,796 बार झूठ बोल चुके हैं। एक राष्ट्रपति का नाम लेते हुए देखिए एक चैनल क्या चला रहा था उस वक्त, झूठा कहीं का। इसके बाद ये ट्रंप तो झूठा निकला, मानो ट्रंप किसी देश का राष्ट्रपति ना हो, कोई अपराधी हो। और ये आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के अधूरे ज्ञान का विश्लेषण। दोस्तों, तो आपने देखा कि मीडिया किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टमार्टम डीएनए उस पर दंगल कर रहा था। मगर अब जबकि ट्रंप ने तमाम हदें पार कर दी, उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे वो बहुत ही ज्यादा उग्र और आक्रामक था। उन्होंने एक बार अपना कश्मीरी राग फिर अलापा इमरान खान के साथ बैठ के। इस बार क्या हुआ दोस्तों? इस बार भारतीय मीडिया पूरी तरह खामोश था, चू तक नहीं निकली, एक शब्द नहीं निकला। और आ जानते हैं क्यों? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से या बीजेपी की तरफ से फरमान नहीं आया कि ट्रंप की बेइज्जती की जाए, ट्रंप को नीचा दिखाया जाए, इसीलिए मीडिया पूरी तरह से खामोश था। यही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा कि जब इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तानी पत्रकारों के शर्मनाक रवैये पर यहां भारत में हमारे चैनल्स ने पाकिस्तानी मीडिया का मजाक उड़ाया था। ये स्क्रीनशॉट देखिए, इंटरनेशनल चांद नवाब की बेइज्जती। यही नहीं, हमारे कई चैनल्स पाकिस्तानी मीडिया का मजाक उड़ा रहे थे। बहुत अच्छी बात है, उड़ाइए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ट्रंप ने इस पर क्या कहा था। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा था इमरान खान को कि भैया आप ऐसा मीडिया लाते कहां से है? मगर अगर आपको ऐसा लगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की नाक काट दी, तो भारतीय मीडिया भी पीछे नहीं था। ट्रंप ने वही तेवर भारतीय मीडिया के लिए भी अपनाए। उन्होंने मोदी से भी कहा कि भैया ऐसा मीडिया कहां से ले आते हैं आप? रोड मैप टू डील विद पाकिस्तान स्टेट्स। क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों कि ट्रंप का सामना जिस मीडिया से होता है, यानी कि अमरीकी मीडिया, वो उनसे डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं। जिस तरह से सीएनएन के जिम कॉस्टा ने इसी अंदाज में उनसे सवाल पूछा था और बौखला गए थे ट्रंप। लिहाजा ट्रंप के सामने जब ऐसे चाटुकार थे तो उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने ईर्ष्या जाहिर की थी इमरान खान से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप ऐसा मीडिया लाते कहां से हैं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों कि यह बात सिर्फ मैं कह रहा हूं, प्रो मोदी कमेंटेटर्स ने भी भारतीय मीडिया के शर्मनाक रवैये पर टिप्पणी की है। आर जग्गी ये शख्स हैं जो कि प्रो मोदी कमेंटेटर हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया के शर्मनाक बर्ताव पर यह ट्वीट किया है। फिर सुशांत सरीन ये शख्स भी प्रो बीजेपी हैं और यहां पर यह भी कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया का बर्ताव शर्मनाक था। यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट हैं, इन्हें भी शर्म आई भारतीय मीडिया पर। तो क्या जाहिर कर रहा है, भारतीय मीडिया ने एक बार फिर अपनी नाक कटवा दी। देखिए, जब आप न्यूज चैनल्स पर दोहराव पैदा करने वाले, बांटने वाले, हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर डिबेट करें,
बीजेपी की चाटुकारिता करें तो आपकी जगहसाई या आपकी बदनामी देश के अंदर ही होती है, मगर जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो आप जो है जब इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो आप पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने फॉरेन अफेयर्स 10 साल कवर किया है और मैंने भारतीय मीडिया को इस तरह बेइज्जत होते कभी नहीं देखा। और अगर आपको लगा कि ट्रंप जिस तरह से चुटकी ले रहे थे वो बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के इस ट्वीट से इंस्पायर होके, जिसमें अमृता जी ने मोदी जी को फादर ऑफ नेशन का दर्जा दे दिया था, यानी कि राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया था, महात्मा गांधी जी मुझे माफ करें, डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। अब भाई राष्ट्रपिता तो चलिए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एल्विस प्रेस्ले तक बना दिया। तो देखा आपने हमारे मोदी जी के पास क्या रेंज है, बापू से एल्विस प्रेस्ले तक। समानांतर तौर पर क्या हो रहा था दोस्तों, समानांतर तौर पर जब ये पूरा एंगेजमेंट हो रहा था अमेरिका के साथ, तो कुछ चाटुकार जो थे, सत्ता पक्ष के कुछ लोग जो थे, वो भारत और अमेरिका के इन संबंधों को ऐतिहासिक बता रहे थे। और न सिर्फ ऐतिहासिक बता रहे थे बल्कि रूस या फिर पूर्व सोवियत यूनियन की बेइज्जती कर रहे थे। मसलन ये महाशय चेतन भगत, इन्होंने क्या ट्वीट किया ये देखिए। चेतन भगत कहते हैं, कई दशकों से भारत ने अजीबोगरीब लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स यानी कि वामपंथी पॉलिटिक्स, नकली स्वाभिमान और रूस से करीबी के चलते, साथ ही एक एंटी कैपिटलिस्ट रुख अपनाकर अमेरिका को दूर रखा और यह कहीं ना कहीं हमारा नुकसान था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह नया अध्याय, दोस्ती का नया अध्याय जो है वो परवान चढ़ेगा दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच। हाउडी मोदी। इसमें चेतन भगत दो बातें कहते हैं। चेतन ये कहते हैं कि मानो 2014 से पहले भारत और अमेरिका के संबंध पूरी तरह से खराब थे, और दूसरा वो रूस या पूर्व सोवियत यूनियन की तौहीन कर रहे हैं। मैं दोनों की बात करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि ये जो नया अध्याय है भारत और अमेरिका के बीच, प्रॉब्लम क्या है चेतन भगत जैसे लोगों के साथ या वो तमाम भक्त जो हैं उनके साथ, इनके लिए भारत का इतिहास शुरू होता है 2014 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। जी हां, इससे पहले क्या हुआ इन्हें से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के संबंध कब बेहतर होना शुरू हुए थे, जब ये शख्स यानी कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनके साथ उनका जब एंगेजमेंट हुआ था, शुरुआत वहां से हुई थी। अब इन चेहरों पर गौर कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह मुलाकात कर रहे हैं अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ। अब यह तस्वीर देखिए, मनमोहन सिंह मुलाकात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के साथ। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह वो दौर था जब इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील परवान चढ़ी थी, यानी कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल। क्या आप जानते हैं कि चाइना इसके खिलाफ था, मगर यह डील क्यों संभव हो पाई दोस्तों? वो इसलिए संभव हो पाई न सिर्फ भारतीय कोशिशों के चलते, बल्कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक कदम आगे जाकर भारत के पक्ष में इस डील को परवान चढ़ाया। क्यों? क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उस वक्त की भारत सरकार पर पूरा एतबार था। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, एक बार जब ओबामा भारत आए थे, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, तब उनसे एक सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इसके जवाब में उन्होंने जिक्र किया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। जी हां, यह तालमेल बिठा रहे थे राष्ट्रपति ओबामा। अब हम बात करते हैं रूस की, क्योंकि चेतन भगत के इस ट्वीट में कहीं ना कहीं वो रूस की भी तौहीन कर रहे हैं। मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा 1971। ये वो दौर था दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान दो फाड़ हो रहा था और बांग्लादेश वजूद में आ रहा था, वो बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तब इस शख्स रिचर्ड निक्सन ने क्या किया था? तब रिचर्ड निक्सन ने यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस एंटरप्राइज
और परमाणु हथियारों से लैस यूएस 7th फ्लीट टास्क फोर्स 74 जो है वो बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया था। मकसद, वो भारत को धमकाना चाहते थे कि अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम तुम पर परमाणु बम गिरा देंगे। उस वक्त के इस राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाइना को भी कहा था कि आप भारत पर हमला कर दो। रूस को भी कहा था, क्या कहा था रूस को, कि आप भारत को समर्थन ना दो। मगर उस वक्त पूर्व सोवियत यूनियन यानी कि मौजूदा रूस जो है वो भारत के पक्ष में आ खड़ा हुआ। नतीजा यह हुआ कि रिचर्ड निक्सन का ब्लैकमेल काम नहीं आया। यह दोस्ती थी भारत और पूर्व सोवियत यूनियन की, और ये नादान लोग इस दोस्ती को आखिर क्या समझेंगे। यही नहीं दोस्तों, 80 का दशक इसरो एक बड़ा रॉकेट बनाना चाहता था, और क्या आप जानते हैं कि अमरीका, फ्रांस और जापान ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त रूसी अंतरिक्ष संस्थान ग्लाव कॉस्मोस भारत की मदद में आया, और क्या हुआ वो सुनिए। पूर्व सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से 2 इंजन्स और तकनीक की पेशकश की, और इसकी कीमत थी $200 मिलियन, जो कि काफी सस्ता था। रूस साथ ही एक बहुत ही सीक्रेट इंजन KVD-1 जो है वो भारत को ऑफर कर रहा था। KVD-1 के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि KVD-1 जो था उसकी तकनीक नासा के किसी भी इंजन से कहीं ऊपर थी। नासा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद 18 जनवरी 1991 को इसरो ने रूसी स्पेस एजेंसी ग्लाव कॉस्मोस के साथ समझौता किया फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। और क्या आप जानते हैं कि मई 1992 को क्या होता है? मई 1992 को अमरीका, भारत और रूसी स्पेस एजेंसीज पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। वो दौर अलग था, मैं मानता हूं, मगर मौजूदा दौर के लिए पूर्व सोवियत यूनियन की बेइज्जती करना, उसकी तौहीन करना या उन रिश्तों को कमतर आंकना, और दूसरी तरफ यह बोलना कि प्रधानमंत्री मोदी या इसी सरकार के चलते भारत और अमेरिका के संबंध दुरुस्त हुए, यह सरासर फैक्चुअली रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको तथ्यों के आधार पर बताया। और यही नहीं दोस्तों, हाउडी मोदी के दौरान भी कॉमेडी में कोई कमी नहीं थी। मैं क्यों कह रहा हूं, इस शख्स पर गौर कीजिए, इनका नाम है हसन मिनाज। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने शो के जरिए अक्सर तल्ख तेवर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हसन मिनाज हाउडी मोदी नाम के इस बड़े फंक्शन में गए थे, और इस फंक्शन में इन्हें जाने से रोक दिया गया। और जब हसन मिनाज ने पूछा कि मुझे एंट्री क्यों नहीं दी जा रही, तब हसन मिनाज को कहा गया कि आप अपने शोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं। मगर कॉमेडी ये नहीं है दोस्तों, हसन मिनाज एंटर नहीं कर पाए स्टेडियम, और इस पूरे फंक्शन को वो अपने कार में बैठ के कार पार्क में कुछ इस तरह से देख रहे थे। कॉमेडी क्या है कि वो ये देख रहे थे कि स्टेडियम के अंदर एक बड़े से स्क्रीन पर जिन भारतीयों ने या भारतीय मूल के लोगों ने भारत का नाम रोशन किया, यह कहा गया कि कॉमेडी के क्षेत्र में भी भारतीय जो हैं वो अमेरिका में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि बड़े से स्क्रीन पर किसका चेहरा सामने उभर कर आया? हसन मिनाज का। वो हसन मिनाज जिसे वहां पर भक्तों ने एंट्री लेने से रोक दिया। तो इससे बड़ी कॉमेडी आखिर क्या हो सकती है दोस्तों। खैर, न्यूज चक्र में बस इतना ही। हमने आज इस कार्यक्रम के जरिए दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच जो पिछले 2 या 3 दिनों में एंगेजमेंट हुआ है उसको लेकर एक बहुत ही दिलचस्प पहलू आपके सामने पेश किया। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.